हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्पण आपके लिए लाया हूँ इंडिया का हॉटेस्ट बाइक, जो यंगस्टर के लिए ड्रीम होता है। तो हाँ, आप लोग ठीक ही सोच रहे हैं, R15 V3। ठीक है, यह मैंने अपने कंपनी पब्लिश किया था 1887 पे। तो उसके कुछ साल पहले और कुछ साल बाद भी यामा का कोई जैसे कि कोई बाइक मार्केट में नहीं रनिंग होता था और सेल भी नहीं होता था उतना। तो यहाँ R15 जब से यामा निकाला है, लॉन्च किया है मार्केट में, तब से उसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले यामा 2006 में R15 V1 लॉन्च किया था। ठीक है, तो V1 लॉन्च करने के बाद 2010 में R15 V2 लॉन्च किया। तो V2 लॉन्च करने बाद तो मार्केट का जलजला ही निकल गया। सब लोग एक ही बाइक के दीवाने, R15। अब यामा ने 2017 में और भी जलजला को ख़तरनाक कर दिया R15 V3 को निकाल के। तो उस V3 को, जो कि यंगस्टर के लिए ड्रीम होता है, उस V3 को मैं आज को देखने के लिए एंड मेरा चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आपने तो सिनेमैटिक शॉट देख ही लिया होगा। तो चलिए इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन बताते हैं। हाँ, यह है VVA एक्टिवेटेड इंजन, जो कि आता है 155.1 सीसी का। ठीक है, तो इस इंजन का मैक्सिमम पावर जनरेट होता है 19.3 BHP, जो कि आता है 10,000 RPM पर, और टॉर्क निकलता है 15 Nm टॉर्क, जो कि 8,500 RPM पर निकलता है। ठीक है, और कंपनी क्लेम करता है कि इस बाइक का टॉप स्पीड 136 है, बट नहीं, हम लोगों का जो यंग चैंप है ना, इस गाड़ी को 155 तक भगा। छोटे से इंजन को देख के आप हैरान मत हो, ये कैसे 155 तक टॉप स्पीड अचीव कर सकता है। हाँ, ये लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड SOHC इंजन है। इसका जो चेसी आता है बहुत ही हार्ड चेसी होता है। और हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया, ये डेल्टा फ्रेम के साथ आता है। आप इस व्हील बेस को देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है 17-inch एलॉय व्हील्स, जो कि डायमंड कट है। ओके, और आता है MRF के टायर के साथ, जो कि ज़बरदस्त ग्रिप प्रोवाइड करता है। और इस टायर का एक खासियत है, इसमें सामने बहुत ही आपको विथ टायर मिलता है, जो कि मिलता है 186। लाइट देख रहे हो फ्रेंड्स, ये कोई हैलोजन से कम नहीं है। इसके अंदर आता है, एक लाइट के अंदर आता है 4 DRLs, जो कि LED है, और एक है पायलट लैंप, एक है अपर बीम और दूसरा है लो बीम। ठीक है, तो इस बाइक को हम रिव्यू कर रहे हैं इसलिए ये बहुत ही फेमस हो चुका है। ठीक है, और जो स्पीडोमीटर है इसका, ये बहुत ही खास है। नॉर्मल बाइक से इसका स्पीडोमीटर बहुत ही अलग है। देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो हमारा दोस्त है उसका नाम है प्रिंस, तो वो दिखा रहा है हाई बॉडी। ठीक है, उसका जगह में आप आपका नाम भी सेट कर सकते हो। ये है टैकोमीटर, जो दिखा रहा है आपको, और ये है गियर पोजीशन इंडिकेटर, और ये है स्पीडोमीटर, और ये है फ्यूल गेज। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्यूल गेज, और यहाँ पर आपका टोटल रन दिखाएगा, किलोमीटर, ओडोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दो बटन है, इस बटन से आप इस स्क्रीन से टॉगल कर सकते हो। तो आप, मैं दिखाता हूँ कैसे टॉगल करता है यह। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है टोटल किलोमीटर, ठीक है, ये है टाइम, और ये है 100 किलोमीटर जाने के लिए इसमें कितना फ्यूल। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा है गाड़ी का एवरेज टाइम। इस एवरेज टाइम का मतलब है गाड़ी कितना देर तक ऑन हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा वाला डिस्प्ले है, जो R15 ने अप्रूव किया है। ठीक है, तो अपडेट करने के बाद ये बहुत ही अच्छा हो गया है, इस कंपटीशन के बाइक से ये बहुत ही अलग है। तो अब आते हैं हैंडल बार की तरफ।
तो ये है क्लिप ऑन हैंडल बार, जो कि रेसिंग बाइक्स यानी स्पोर्टी बाइक में बहुत ही ज़रूरत है एयर डक करने के लिए। और एक बात यहाँ आता है स्लीपर क्लच। हाँ दोस्तों, 155 सीसी में पहली बार स्लीपर क्लच दिया है यामा ने। और एक बात, ये जो टैंक है ना, टैंक बहुत ही अच्छा है, 60 लीटर का फ्यूल टैंक है। बट यह जो प्लास्टिक फिनिश है वो पहले अच्छा नहीं आता था, तो बहुत कस्टमर के कंप्लेन के बाद ये बहुत ही अच्छा आता है अभी अभी। और आता है सीट, ये सीट बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिटी राइडिंग के लिए अच्छा नहीं है, बट हाईवे राइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और पिलियन सीट के बात भी मत करो, यहाँ पर सिर्फ कोई बैठ सकता है, कोई कंफर्टेबली बैठ नहीं सकता। यहाँ देखिए वेरिएशन 3.0, तो ठीक है। और नेक्स्ट मैं आता हूँ एग्जॉस्ट पे। यहाँ एग्जॉस्ट बल्की टाइप के एग्जॉस्ट है, ठीक है, जो अच्छा साउंड प्रोवाइड के साथ साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी चैनल ABS मिलता है। और स्विच अप नहीं है, स्विच अप करने वाला नहीं है, सुपर मोटो भी नहीं मिलता, बट ये 12 चैनल ABS भी होता है। और इसका जो रियर टायर, ये भी MRF नहीं दिया है, जो कि 150x18 इंच के टायर्स। और हाँ, इसका अलॉय व्हील 17 इंच का के हिसाब से ये जो चेन का विड्थ है और लेंथ है बहुत ही ठीक ठाक नहीं है। ओनर्स रिव्यू के साथ ही मैं बता रहा हूँ, इसका स्प्रॉकेट भी ठीक ठाक नहीं है, तो ओनर्स ही आपको बताएगा चेन का हालचाल और चेन का हालत क्या है अभी तक जो बाइक का है। और दोस्तों ये आता है 6-speed गियरबॉक्स के साथ, जो कि मक्खन से भी स्मूथ VBA मोटर, ठीक है, जो कि 7000 RPM के बाद VBA वेरिएबल वाल्व असिस्ट एक्टिवेट होता है। उसके वजह से गाड़ी का पावर ही सिर्फ इनहेंस नहीं होता, गाड़ी का टॉर्क भी इनहेंस होता है, जिससे फटाक से कोई RC या कोई अदर्स बाइक जैसे RS वगैरह को देख रहे हो फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्टाइलिश है। मैं तो इस मिरर का फ़ैन हुआ, तो इस मिरर को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ऐसे ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिरर अच्छा व्यू को तो आप जान ही चुके हो, बस इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। इसका हाइट है 815 mm, जो कि शॉर्ट राइडर यानी 5.5 से नीचे जो राइडर का हाइट है वो राइडर इसमें तकलीफ हो सकता है इस गाड़ी को। इसका जो इंडिकेटर है, या माने इसको R15 V3 बताओ और MT9 में ही बताओ, ये एक ही रखा है, तो इसके बारे में कुछ बोलना ही बेकार है। आपने तो देख ही लिया रिव्यू इसका, तो स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये गाड़ी बहुत ही ठीक ठाक साबित होता है। ठीक ठाक नहीं, यंगस्टरों के लिए ये तो ड्रीम है, तो मैं कैसे इसे ठीक ठाक बता सकता हूँ। तो आप लोग इसका एग्जॉस्ट नोट के बिना कैसे इस गाड़ी को जज कर सकोगे, चलिए एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। आपने तो सुन ही लिया इसका एग्जॉस्ट नोट, ये बहुत ही बेस कॉम्बिनेशन है। मेरा नाम पुष्रॉय अधिकारी है, पुष्रॉय एक ही नाम है, ये प्रोस और रॉय टाइटल नहीं है, ये एक ही नाम है और अधिकारी मेरा टाइटल है। जो भी है, ये मेरा ही बाइक है R15 V3, मेरा ड्रीम बाइक है, मेरा फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो है, ये मैं ख़रीदा था 19 मार्च को, तो एक साल हो चुका है ये बाइक के बारे में तो सब बोल ही दिया मेरा दोस्त और अर्पण ने, जो भी है क्या बोलूँ और नहीं आकर के। बाइक का सभी ठीक है मेरा, बट ये थोड़ा लुक थोड़ा बहुत एग्रेसिव है, शॉर्ट राइड के लिए ये ठीक है, लॉन्ग राइड के लिए बहुत दिक्कत होगा, लाइक नेक पेन, बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा, रिस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा ये, और दो तीन छोटा छोटा कुछ है, लाइक चेन के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। ये चेन 500 किलोमीटर के चलने के बाद ये लूज़ हो जाता है, यही है एक प्रॉब्लम। और मैं ऑफिस जाता हूँ, लगभग मैं दिन में 120 किलोमीटर में चला रहता हूँ ये बाइक को, तो दो तीन दिन के बाद ये चेन लूज़ हो जाता है, ये बहुत मेरे लिए बहुत दिक्कत होता है, यही है प्रॉब्लम।
बहुत बार गया भी था मैं यामा शोरूम शोरूम में, तो ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही है। और चेन मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक होना चाहिए था, देख रहे हैं जैसा बहुत थीन है ये एक सुपर बाइक के लिए जिसका 19 BHP पावर है, 15 Nm टॉर्क है। इसके लिए मेरा हिसाब से ये चेन थोड़ा क्वालिटी और भी बढ़ाना चाहिए। 17,118 किलोमीटर में चला चुका हूँ और इसको उसके बाद में बस ये पूरा स्पॉकेट जो देख रहे हैं आप, स्पॉकेट में पूरा चेंज किया ये एक साल के बाद। और एक है आपका इंडिकेटर, ये इंडिकेटर और भी अच्छा हो सकता था, थोड़ा LED टाइप का हो सकता था, ये नहीं दिया। ये एक है बस, यही छोटा मोटा यही है और कुछ नहीं, और बाकी सब अच्छा ही है।